गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है चाय के कप और दो हैं हमारे पास टोस्ट इनके साथ। तो फ्रेंड्स अभी हो रहे हैं सुबह के 8:30 और बैठते हैं पढ़ने, साथ में चाय भी बन के तैयार है बिल्कुल थोड़ी सी, और इसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं है क्योंकि डाइट हमें कंटिन्यू रखनी है। सो फ्रेंड्स अभी मैं शुरुआत करूँगी, हाँ जियोग्राफी से ही करूँगी, फिर आपको बताती हूँ कि पढ़ लेती हूँ पहले थोड़ी देर, फिर आपको बताऊंगी कि मैंने आज क्या क्या किया। फ्रेंड्स मेरे रूम का सबसे ब्यूटीफुल कॉर्नर है ये, जहाँ पे रहता है मेरा स्टडी टेबल और जहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम बीतता है। तो इसको इतना साफ़ सुथरा रखने का और ऐसे सजा के रखने का, फ्लावर्स हैं, लाइटनिंग है, हर चीज़ है, इसका एक ही मेरा मोटिव रहता है कि मतलब जहाँ मुझे 4-5 घंटे बैठना है, बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स अपने मन को ये मनाना कि 4 से 5 घंटे एक ही जगह पर बैठना है और पढ़ना है, बहुत मुश्किल होता है। तो बस अगर ऐसे चारों तरफ ऐसे सुंदर सा टेबल हो, लाइटनिंग हो, ऐसे एक माहौल क्रिएट किया हो, तो बहुत एक अच्छी वाइब आती है और ऐसे मन करता है, उठने को मन नहीं करता। मतलब 4 से 5 घंटे कब हो जाते हैं बिल्कुल भी पता नहीं चलता, तो इसलिए मैं ऐसे सजा के रखती हूँ। और भी आप यूपीएससी एस्पिरेंट के देखते होंगे रूम इतनी लाइटनिंग और इतने ब्यूटीफुल, वो इसीलिए होते हैं शायद कि जहाँ पे हमें एक कमरे में ही तो पूरा दिन रहना होता है, पूरा पढ़ना है, तो कुछ क्रिएटिव और कुछ ऐसे साफ़ सुथरा लाइटनिंग ऐसे खूबसूरत लगना चाहिए ताकि बैठा जा सके 5 से 6 घंटे, है ना। सो ऐसे मैंने आज अपनी लाइटनिंग ऑन की है, अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 10:30-11:30, मतलब 11 बजने वाले हैं। और अभी मैं हिस्ट्री का पढ़ रही थी, जैनिज्म और बुद्धिज़्म का। हिस्ट्री के बाद फ्रेंड्स अब बारी है जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में मेरा सॉइल का चल रहा है, इंडियन सॉइल का, तो फिर वो रिवीजन कर रही थी मैं और अनिरुद्ध सर की क्लास लगा रही थी साथ में। और दोपहर का टाइम हो रहा है अभी, बहुत प्यास लग रही थी तो पानी की बोतल भी साथ में ही रहती है टेबल के ऊपर, तो फिर मैं पानी पी लेती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा है तो पानी तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना पी सकें। फिर इसके बाद फ्रेंड्स मैंने और कुछ खाने में नहीं बनाया, आज मन कर रहा था कि मैगी खाऊं, तो फिर मैंने मैगी बना ली, खाई मैंने थोड़ी सी ली थी। ये मैंने 2 पैकेट बनाए थे मैगी के, बट मैंने साथ में दूध था ये भी गर्म कर लिया क्योंकि आजकल दूध ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स। और ये मैंने चने भीगने के लिए डाल दिए थे, इसकी दाल बनाऊंगी मैं, काले चने की दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है दही के साथ, तो ये मैंने भीगने के लिए डाल दिए। और मेरी साथ में बन के तैयार है मैगी, तो चलो अब खा लेते हैं। मैंने थोड़ी सी ली थी, सूप ज़्यादा लिया था और मैगी कम ली थी। फ्रेंड्स अभी मैं रिट्स के बारे में पढ़ रही थी और इसके टाइप्स, तो हेबियस कॉर्पस के बारे में मैंने अभी पढ़ना शुरू किया था। मतलब इनको जितने बार भी पढ़ लो ना मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ, और इसकी देखो लैंग्वेज भी इतनी टिपिकल सी लिखी गई है ना कि इसको इजीली समझ पाना मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। तो फिर अभी मैं इसके सारे वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकाल रही थी, फिर लिख रही थी एक एक चीज़, तो अभी मुझे समझ में आया हेबियस कॉर्पस से कि ये ऐसी रिट है मतलब कि अगर पुलिस मनमाने तरीके से या गैर कानूनी तरीके से किसी को हिरासत में ले लेती है, जैसे बिना किसी वारंट के कैद कर लेती है और उसके परिवार वालों को भी उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो उस केस में जो फैमिली है वो हेबियस कॉर्पस रिट कोर्ट में फाइल कर सकती है। और अगर वो पर्सन मतलब जो कैद किया गया है, जिसको हिरासत में लिया गया है, अगर वो मतलब बिल्कुल उसने कुछ गलत नहीं किया था तो उसको फ्री कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, तो ये रिट जो है मतलब हमारे फेवर में काम करती है अगर पुलिस वगैरह कुछ ऐसे बिना किसी वारंट के पकड़ ले या कुछ ऐसे मनमाने तरीके से जो भी करे गलत कैद करके पकड़ के, तो वो समझ में आया मुझे हेबियस कॉर्पस के बारे में। तो अभी जब मैंने इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिखे तो मुझे थोड़ा लगा कि फिर समझ में आ गया, अब शायद मुझे नहीं भूलेगा ये। वैसे मैं इसको बार बार अगर मैं इसको लाइन टू लाइन लर्न करूँ ना इंग्लिश के अकॉर्डिंग, लाइन टू लाइन समझो, तो फिर मुझे बहुत वो कन्फ्यूजिंग सा लगता है, बट अब मुझे ठीक लग रहा है ये। और अगर इसका कुछ और मीनिंग होगा आपकी नज़र में तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, बट इसका यही मीनिंग है। फ्रेंड्स इन रिट्स को पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, देखो 2020-22 में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, विद रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय द कोर्ट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखो आपके पास 3 ऑप्शंस दी गई हैं और नीचे आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट हैं उनको टिक करना है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ से तो क्वेश्चन आया हो, पहले बहुत बार पूछा गया है, बस मतलब थीम तो सेम रहती है, बस क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लेते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, तो इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनको रिवाइज कर रही हूँ अच्छे से।
फ्रेंड्स ये मैं इमली लेके आई थी, तो आज मेरा मन कर रहा था कि मैं इमली भीगने के लिए डाल देती हूँ और इसकी चटनी बनाऊँगी। बहुत दिनों से ला के रखी थी मैंने और गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, एक दो दिन से इतनी गर्मी है बर्दाश्त नहीं हो रही है और फिर कुछ खाने को भी मन नहीं करता। तो फिर मैंने इसको लिया क्योंकि ये थोड़ा सूखी होती है तो इसको भीगने के लिए 2 से 3 घंटे तक डालना पड़ता है। मैंने सोचा जो लाल चटनी बनती है ना इमली की फ्रूट्स वाली, हमारे वहाँ जैसे शादी फंक्शन कुछ हो ना, छोले भटूरे बने, तो उसके साथ वो फ्रूट्स वाली चटनी ज़रूर बनती है, तो मुझे उसकी याद आ रही थी, उसका टेस्ट मुँह में आ रहा था, तो बहुत मन कर रहा था कि मैं भी बनाऊँ। फिर मैंने इमली रखी थी घर पर तो मैंने सोचा मैं भी बना ही लेती हूँ। फिर मैंने इसको अच्छे से भीगने के लिए डाल दिया और साथ में बादाम भी डाले हैं भीगने के लिए। इसको आपने जैसे ही पानी में ऐड किया फिर इसको अच्छे से आपको स्पून के साथ अलग अलग। फ्रेंड्स अभी हो रही है शाम और मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा आज शाम भी, मतलब अभी 7 बज रहे हैं और डिनर भी मैं कर ही लेती हूँ 8 बजे, तो मैंने सोचा आज मैं उत्पम ही बनाती हूँ, मुझे उत्पम बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो फटाफट से बना लेते हैं। और साथ में मैंने बना लिए फ्रेंड्स अपनी डेलगोना कॉफ़ी, बहुत टेस्टी बनी थी। बहुत टाइम के बाद मैंने कॉफ़ी पी, वैसे मैं बहुत कम पीती हूँ, कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी, बहुत टेस्टी थी। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं सुबह जल्दी बैठ गई थी पढ़ने, तो मैंने 10 बजे तक ये सारा मतलब क्वेश्चन रिवाइज करी थी मैं प्रीवियस ईयर के, तो मैंने हिस्ट्री के 3-4 साल के कवर कर लिए, जिसमें जिस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछा गया वो मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं, जैसे बुद्धिज्म केव्स पे था, जैनिज्म संगम मेज था, लिटरेचर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन थे, रिपीट हुए हैं, जो मतलब जो थीम है वो रिपीट होती है, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता बट जो क्वेश्चन की थीम रहती है वो रिपीट होती है। उसके बाद अशोका की जो भी साइट्स रही हैं, लोकेशन उनकी, और पोर्ट्स पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने वो यहाँ पे एक लिस्ट बना ली थी, 2.5 घंटे की थी शायद वो क्लास, 2-2.5 घंटे की मैंने वो की। उसके बाद फ्रेंड्स अभी मैंने मैगी वगैरह खा के अभी ये वाला मैराथन है, करंट अफेयर्स हैं ये जियोग्राफी के 6 मंथ के, 5 घंटे का मैराथन है, अभी मैं इसको शुरू करने के लिए बैठ गई हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11:30 के करीब, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मुझे ये मैराथन ख़त्म करना है, दिन में ही ख़त्म करूँगी, फिर शाम को कुछ और देखेंगे। मैं फ्रेंड्स ऐसे मैराथन क्लासेज आजकल ज़्यादा लगा रही हूँ, मुझे इनमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, और इनमें ये होता है कि एक टारगेट है, 5-6 घंटे आपको बैठना ही है, करना पड़ेगा आपको, और इससे रिवीजन बहुत अच्छा हो रहा है मेरा, तो इसलिए मैं ये फॉलो कर रही हूँ। तो अभी ये और ये जैसे एक सर्च करते हो आप तो नेचुरली फिर बार बार जो भी रहे हैं, जो भी मैराथन टीचर्स कर रहे हैं वो सारे आते रहते हैं, तो अभी मैंने ये देखा जियोग्राफी का, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ही पढ़ना शुरू कर देती हूँ। और एक टॉपिक मैंने और निकाला था, मुझे फॉरेस्ट पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, ये मैंने छोटे से नोट्स भी बनाए हैं अपने, ये मुझे पढ़ना है, ये भी रिवाइज करना है, ये मुझे थोड़ा से मतलब रिविजन की जरूरत है इस टॉपिक की, तो वो मैं बाद में करूंगी। अब मैं सोच रही हूं कि ये 5 घंटे वाला मैराथन पहले कंप्लीट करती हूं और फिर मिलेंगे आपसे। एंड फ्रेंड्स वन मोर थिंग, आज मेरा सुबह सुबह एक नुकसान हो गया, ये जो मेरा लैम्प है इसका जो चार्जिंग पॉइंट होता है ना यहाँ पे, ये ही टूट गया। अब देखूंगी शाम तक मेरा भाई आएगा, उसको बोलूंगी ठीक करने के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी मेरे काम रहते हैं उनका काम कर ही देता है वो, जब नहीं ठीक होगा तो फिर नया लेना पड़ेगा। और फ्रेंड्स ये मैंने 800 का बाय किया था, मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर चलो अब क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ परमानेंट के लिए तो हमारे पास रह नहीं सकती, हाँ लाइफ टाइम के लिए तो कुछ किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है। तो चलो अब करते हैं पढ़ना शुरू एंड मिलते हैं आपसे बाद में। फ्रेंड्स तो आज ब्रंच में ब्रेकफास्ट लंच साथ में ही हो रहा है, तो आज बने हैं आलू के परांठे, साथ में है चाय और उसमें मैंने ऊपर से डाली है मलाई, मुझे ऐसे खाना बहुत पसंद है, और साथ में जो हमने चटनी बनाई थी वो है परांठों के साथ खाऊंगी। और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज, पूरा दिन लाइट का कट था, बिल्कुल हालत ख़राब थी, बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, तो फिर हम जाके ले आए अपने रूम के लिए एसी और साथ में इन्वर्टर भी लेके आ गए, ये इन्वर्टर का स्टैंड। फ्रेंड्स यहाँ इतने लाइट्स के कट लगते हैं और अभी तो चिपचिप बरसात वाली गर्मी चिपचिपी तो वो आ ही नहीं, उसमें तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। बहुत टाइम से सोच रही थी मैं, पिछली गर्मियाँ भी सोचा था बट मैंने ली नहीं, मैंने सोचा कि अगर एसी की आदत पड़ गई तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है, बाहर निकला नहीं जाता। बट फ्रेंड्स रात को भी लाइट नहीं थी, दिन में भी लाइट नहीं थी, तो फिर इन्वर्टर भी ले लिया और एसी भी ले लिया। और डिनर में लगाने वाले आज आए नहीं, कल आएंगे वो, और फिर डिनर में बन रहा है आज आलू चने बनाए हैं, ये रहा मेरा डिनर। फ्रेंड्स मैंने थोड़े से राइस लिए हैं, ज़्यादा दाल डाल ली है
और साथ में मैंने प्याज, मिर्ची वाला प्याज बनाया है, और साथ में नींबू है ये कट करके रख लिया है। साथ में मैं दही भी लूँगी फ्रेंड्स, मुझे दही चने के साथ बहुत पसंद है। और फ्रेंड्स जैसे कि आज संडे है तो सब्जी मंडी लगती है संडे को, तो मैं पूरे हफ्ते के लिए सब्जी ले आती हूँ। पुदीना भी लेके आई हूँ, मैं चटनी बनाऊँगी इसकी, और मैंगोज़ भी आ गए हैं, इसका हम शेक बनाएंगे, और ये लौकी की सब्जी है, खीरा है साथ में, और वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये दो फ्रूट मेरे बहुत फेवरेट हैं गर्मियों के, तो ये दोनों भी आ गए हैं। तो अब इन सब्जियों को रखते हैं फ्रिज के अंदर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग।